गाइस आज हम क्लास जो 9th का है हमारा, क्लास 9th का स्टेज 1 चैप्टर वाइज रिवीजन, उसमें चैप्टर नंबर ये जो 12 है हमारा, इसको करेंगे मिड पॉइंट एंड इंटरसेप्ट थ्योरम। तो इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे आज हम, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ये है हमारा चैप्टर 12। किसका है ये? स्टेज 1 चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है हमारा। ओके, जो बैक साइड में सेलिना बुक के, तो इसका जो अदर पार्ट्स हैं, इसके अदर पार्ट्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए बी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी पी। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए बी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है और हाइपोटेनस इसने पहले बता दी क्या कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। हाइपोटेनस है ए बी, मीन्स ये सी पर राइट एंगल है उसका, उस पर पी एक मिड पॉइंट है। ओके, पी एक मिड पॉइंट है, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल्स टू कितना, ट्वाइस ऑफ सी पी। प्रूफ करेंगे हम इसे, प्रूफ करते हैं। ए बी को देखो आप, ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी पी चाहिए। अब सी पी यहाँ पर बन रहा है हमारा, सी पी, सी पी का ट्वाइस होना चाहिए। अब क्या करें भाई, हम कौन से दो ट्राइंगल लें जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह का यूज़ कर सके, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से चैप्टर है तो मिड पॉइंट थ्योरम का कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा। पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कैसे हो रहा होगा इसमें, आप मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कैसे कर सकते हो इसमें? इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई रिलेशन बनाएंगे, जो सी पी और ए बी में कुछ रिलेशन बना रहा हो। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल को ले सकते हैं, क्योंकि इस वाले छोटे ट्राइंगल में सी पी आ रहा है हमारा, तो इन दोनों ट्राइंगल में रिलेशन ले सकते हैं। क्या होगा इन दोनों ट्राइंगल में रिलेशन, कि यहाँ पर ये 90 है, देखो ये 90 है यहाँ पर। ओके, तो अब क्या ये यहाँ पर भी 90 होगा, क्या यहाँ पर भी 90 होगा? देखो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम कैसे या फिर कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें रिलेशन बनाने में, किसमें, ए बी साइड और सी पी में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप क्या कर दो, पी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, किस पर, बी सी के पैरेलल लाइन, यहाँ पर पी एम हमने ड्रॉ की। ओके, कि ड्रॉ पी एम पैरेलल्स टू सी बी है बी सी। ओके, इसको ड्रॉ किया, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, ये 90 है तो ये भी 90 होगा हमारा, ये दोनों 90-90 हो जाएंगे। अब आप देखो इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए एम पी एंड ट्रायंगल किस में, ए एम पी एंड सी एम पी में, सी एम पी में, तो ए एम पी और सी एम पी में हम क्या देखेंगे, दोनों 90-90 है, दोनों की ये वाली साइड इक्वल है। क्या अब इसमें कोई दूसरी साइड इक्वल दिखा सकते हैं? यस, ये वाली साइड इसके इक्वल दिखा सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं, कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट को सेकेंड साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दिया जाए तो वो थर्ड साइड को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स ये भी इसका मिड पॉइंट होगा। ओके, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं क्या, कि ए एम किसके इक्वल होगा, ए एम सी एम के इक्वल होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फिर हम यहाँ पर दिखा सकते हैं ईच 90 ए एम पी इक्वल्स टू होगा एंगल सी एम पी के, ये क्या होगा, ईच 90 डिग्री। एंड ऑल्सो यहाँ पर पी एम पी एम साइड क्या है, इक्वल है, पी एम साइड क्या है, इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, ए एम पी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल सी एम पी के बाय साइड एंगल, साइड साइड एंगल साइड से अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी सी से हम क्या कह सकते हैं, कि साइड जो हमारी ए पी है वो किसकी इक्वल होगी, सी पी के इक्वल होगी बाय सी पी सी टी सी। ओके, बाय सी पी सी टी सी से ये क्या हो गया हमारा, ए पी इक्वल्स टू सी पी हो गया। नाउ अब हम क्या दिखाएंगे इसमें, कि ए बी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, ए बी इक्वल्स टू है ए पी प्लस पी बी। ओके, ए पी और पी बी दोनों ही सेम है हमारे, क्योंकि मिड पॉइंट है पी, तो ए पी और पी बी को हम क्या कह सकते हैं, हमें ए पी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी पी दिखाना है, तो हम क्या दिखाएंगे इसको, ए पी, और इस पी बी को भी क्या बोल देंगे, ए पी। ओके, बिकॉज यहाँ पर क्या है हमारा, ए पी इक्वल्स टू पी बी है, या हम ये भी कह सकते हैं पी इज अ मिड पॉइंट। तो यहाँ पर ये यह हमारा, अब हम क्या करेंगे,
कि इसको हम ए बी इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए पी, एंड ए पी इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी पी, ठीक है, ए पी इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी पी, तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी पी, ओके, ट्वाइस ऑफ सी पी हो गया है हमारा प्रूव्ड। ये करना था हमें, क्वेश्चन नंबर 93 ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 94 पर आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो ए एफ डी एफ एंड ए बी पैरेलल्स टू, ये कुछ पैरेलल लाइंस गिवन की हैं, इसमें तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम का यूज़ कर सकते हो आप, कि अगर कुछ लाइन पैरेलल्स होती हैं तो उसके बनने वाले जो ट्रांसवर्सल होंगे वो क्या होंगे हमारे, जैसे हमने किया ये वाली लाइन क्या है हमारी, ये वाली लाइन जो ए बी है वो हमारी पैरेलल किसके, एफ ई के, और ये पैरेलल हो जाए डी सी के, ओके। यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे, ये पी पॉइंट, ये वाला इंटरसेप्ट इक्वल इंटरसेप्ट है, आपको क्या बताना है, प्रूफ क्या करना है, आगे कुछ है क्या इसमें, हाँ जी प्रूफ करने के लिए इसने कुछ कहा है कि टू प्रूफ करो, फर्स्ट में एफ पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये जो एफ पी है वो हाफ ऑफ ए बी वो तो हो गई मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड में क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई एफ, ओके ये करना है हमें, सिंपल ही करेंगे इसको हम प्रूफ, ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं। देखो कि अगर हम देखें ये वाला एफ पी और ए बी, इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो इन ट्रायंगल किस में देखें हम, ए बी डी में, इस ट्रायंगल ए बी डी में ए एफ और एफ डी इक्वल है, मीन्स एफ मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन एफ पी पैरेलल है ए बी के, देन कन्वर्स ऑफ बी पी टी से हमारा क्या होगा, पी इज ऑल्सो मिड पॉइंट होगा, ओके और P इज ऑल्सो मिड पॉइंट होगा, एफ पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, फिर कि P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ, कि इफ F इज अ मिड पॉइंट या कह सकते हो ए एफ इक्वल्स टू एफ डी एंड एफ पी पैरेलल्स टू क्या ए बी, देन हमारा क्या होगा, देन हम कह सकते हैं कि P इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, बी डी, कि आप सच दैट यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि अगर पी मिड पॉइंट है तो बी पी किसके इक्वल होगा, पी डी के इक्वल होगा, ये है बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी नहीं मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है, बी पी टी तो हमारा 10th क्लास में है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो ये हमारा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो गया हमारा। देन ऑल्सो क्या होगा इसमें, ऑल्सो एफ पी जो होगा वो हाफ ऑफ ए बी होगा, ये प्रॉपर्टी होती है मिड पॉइंट थ्योरम की, कि अगर टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और इसे इसके हाफ भी, हाफ के इक्वल भी होती है, तो एफ पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि ए बी और सी डी का सम, ए बी और सी डी का सम, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी का जो सम होगा वो इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ एफ ई के। अब ऑल्सो ऐसे अगर हम इस वाले ट्राइंगल में आ जाएं, सिमिलरली क्या आ जाएं अगर हम इन ट्राइंगल किस में देखें, सी बी डी में, सी बी डी में देखें, सी बी डी में, तो इसमें भी हमारा अब क्या है, पी मिड पॉइंट हो चुका है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो चुकी है एंड ये वाली लाइन हमारी पैरेलल है इसके, क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल गिवन किए हैं, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट फ्री ए बी हमारा क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू ई सी हो जाएगा, ओके। सिमिलरली इन ट्रायंगल में दिखा दिया हमने सी बी डी में क्या, कि इफ बी पी इक्वल्स टू क्या है, बी पी इक्वल्स टू पी डी है एंड पी ई पैरेलल्स टू सी डी है, देन हमारा क्या होगा इसमें, देन हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा हमारा, देन हम कह सकते हैं कि हमारा ई बी मिड पॉइंट होगा ई, या फिर हम कह सकते हैं कि बी ई इक्वल होगा हमारा किसके, ई सी के,
देन बी इक्वल्स टू इजी होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लिख देंगे यहाँ पर, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियोरम। ओके, ये ऑल्सो इम्प्लाई करेगा क्या कि अब जो पी ई है हमारा या ई पी है वो क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी होगा। अगर ये दोनों मिड पॉइंट हो गए तो पी ई हाफ ऑफ सी डी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये होता है हमारा। ओके, ये भी हमारा मिड पॉइंट थ्योरम सही है, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसे सही से लिख लेना, मैं आपको शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, अब दोनों इक्वेशन को कर दो प्लस, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देते हैं अगर हम, तो क्या मिलता है एफ पी, और क्या मिलेगा इधर ई पी, किसके इक्वल, हाफ ऑफ ए बी प्लस हाफ ऑफ सी डी। यहाँ पर क्या कर देंगे हम एफ पी और पी ई, एफ पी और पी ई का सम क्या है, ई एफ है, तो इसे ई एफ लिख सकते हैं हम। इसमें से वन बाय टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ए बी प्लस सी डी हो जाएगा, टू इधर पहुँचा देंगे तो ट्वाइस ऑफ ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा हमारा ए बी प्लस सी डी के। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, कि ए बी प्लस सी डी ट्वाइस ऑफ ई एफ के बराबर है, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, एक ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं जिसमें ए बी ए सी के इक्वल कर लेते हैं, ए बी सी में ए बी किसके इक्वल, ए सी के। डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी, बी सी का क्या है डी मिड पॉइंट है, सी ए का क्या है ई, सी ए का क्या है ई, एंड एफ किसका है ए बी का रेस्पेक्टली, सो दैट ए डी इज पैरल्स टू ई एफ, ए डी किसके पैरल दिखानी है, सो दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू किसके, ई एफ के परपेंडिकुलर है, ये शो करनी है हमें, मीन्स यहाँ 90 बना रहे हैं। एंड ए डी एंड एफ ई, ए डी एंड एफ ई बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स एफ ई ए वाला, सॉरी ए डी एंड एफ ई इनको बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इक्वल पार्ट भी है, बताओ कैसे करेंगे इसको। सिंपल है, देखो वही मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे कि ई एफ और एफ, ई और एफ मिड पॉइंट है, देन ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी हमारे बी सी के, प्रूफ करेंगे इसमें। टू प्रूफ आप लिख देना जो भी दोनों करने हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम देखें ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में ई एंड एफ मिड पॉइंट है, देन हम क्या कह सकते हैं, इफ ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। ओके, अगर ये मिड पॉइंट्स है तो देन हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, देन हम कह सकते हैं कि जो ई एफ होगा वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के, ई एफ पैरेलल होगा बी सी के। ओके, ई एफ पैरेलल होगा बी सी के, ई एफ बी सी के पैरेलल हो गया, देन अब हम क्या कह सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में, देखो ये है बाय मिड पॉइंट थ्योरम हुआ है, ये हुआ है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, अब हम देखेंगे हाफ इस वाले ट्रायंगल में, मान लेते हैं इसको एम पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी ट्रायंगल में क्या होगा हमारा कि एफ मिड पॉइंट है, ठीक है, ए बी का, एंड ये वाली लाइन हमारी क्या है, एफ एम पैरेलल है बी डी के, एफ इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड एफ एम पैरेलल्स टू क्या है बी डी के, देन हम क्या कह सकते हैं, देन हम कह सकते हैं कि एम इज ऑल्सो मिड पॉइंट, एम या फिर ए एम, एम ए या ए एम, ठीक है, ए इक्वल हो जाएगा किसके एम डी के, बाय क्या होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ए भी हो गया हमारा। ओके, लेकिन हमें तो कुछ और ही करना है कि हमें सबसे पहले प्रूफ करना है कि 90 बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे 90 कैसे शो करेंगे, इसे हमें तो बताना है कि ए डी परपेंडिकुलर टू ई एफ, एफ ई या ई एफ, ठीक है।
यहाँ पर ही 90 बनाएंगे। क्या करना चाहिए कि यहाँ पर इसमें 90 का रिलेशन निकल के आए, तो देखते हैं इसमें कि क्या किसी ट्रायंगल वगैरह को ज्वाइन कर ले हम, उससे हमें मिल जाए। इसमें अगर हम देखो डायरेक्ट देखें कि ए बी इसने पहले कहा था कि ए सी के इक्वल है, ए बी इसने पहले कहा था ए सी के इक्वल है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ओके, ए बी इसके इक्वल है और ये डी मिड पॉइंट है। अगर ये डी मिड पॉइंट है तो ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर बाइसेक्ट भी कर रहा है। ओके, और जो आइसोसेलिस ट्रायंगल की जो, जैसे मान लेते हैं ये वाली साइड ए बी साइड किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल होगी, बी डी साइड डी सी के इक्वल होगी। वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो आइसोसेलिस ट्रायंगल्स का एल मीडियन होता है वो एल्टीट्यूड भी होता है। क्यों? क्योंकि ए डी बी और ए डी सी ये क्या होंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। साइड 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 से कह सकते हो ए बी साइड ए सी के इक्वल, बी डी साइड डी सी के इक्वल, एंड ए डी क्या है हमारा कॉमन है। साइड 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 से कौन क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, तो सी पी सी टी सी से ये एंगल इसके इक्वल होगा और दोनों का सम 180 होगा। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका 90-90 प्रूफ कर सकते हैं। ये 90-90 तो ये भी तो 90-90 होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सिंपल सी बात है, ऐसे बता सकते हो गया 90। अब ये 90 हो गया, एम मिड पॉइंट हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए छोटे वाले, तो ये वाली साइड क्या हो गई। इसमें हमें ये इसमें क्या प्रूफ करना था कि एफ ई बाइसेक्ट कर रहा है ए डी को, ए डी एंड एफ ई बाई सेक्ट ईच अदर, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल भी दिखाना और ये वाला पार्ट इसके इक्वल भी। तो ये वाला पार्ट तो इसके इक्वल हमने शो कर दिया है क्योंकि एम मिड पॉइंट शो कर दिया हमने, तो ए एम किसके इक्वल हो जाएगा, ए एम किसके इक्वल हो जाएगा, ये एम एम ए एम डी के इक्वल हो गया। ये तो हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया एम ए एम डी के इक्वल होगा। अब हमें ये और प्रूफ कर देना है कि एफ ई एम ई के इक्वल होगा। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले दिखाएंगे कि वी नो कि ट्राइंगल ए डी बी जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल ए डी सी के, बाय साइड 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 कह देंगे हम, ठीक है, कॉन्ग्रेंट होंगे ए डी बी ए डी सी के कॉन्ग्रेंट होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। या फिर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि आइसोसेलिस ट्रायंगल्स मीडियन ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल ऑल्सो एन एल्टीट्यूड, यही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं ए डी इज मीडियन, ठीक है, ये मीडियन है हमारी, एंड ऑल्सो एन एल्टीट्यूड, ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, तो प्रॉपर्टी होती है हमारी, ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो अब ये एल्टीट्यूड हो गया हमारा, देन तो सच दैट हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल जो हमारा बी डी, ये जो है बी डी ए इक्वल्स टू एंगल सी डी ए या फिर ए डी सी कुछ भी कह सकते हैं, दोनों 90-90 होंगे। ओके, एंड एंगल बी डी ए जो होगा हमारा बी डी ए इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एफ एम ए के, ये भी 90 हो जाएंगे हमारे। ओके, ये भी हमारा 90 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए हमारे, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी एफ ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, बस ये हो गया हमारा। अब इसके पैरेलल हो गया, अब हम दिखाएंगे कि ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है हमारा, मतलब ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट होने के लिए हम क्या दिखा सकते हैं, बाइसेक्ट करने के लिए हम ये भी शो कर सकते हैं कि भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट, ये वाले ट्रायंगल ये 90 है, ओके, ये 90 है, ये कॉमन है और ये इसकी ये वाली साइड इक्वल है। या फिर हम इससे मिड पॉइंट थ्योरम से भी अगर हम चाहें तो इसे प्रूफ कर सकते हैं कि एफ ई किसके इक्वल होगा हमारा, मतलब एफ एम और एम ई इक्वल होंगे, इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से देखें या फिर हम इसमें दिखा सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल गिवन है। ओके, ए बी को हम क्या कह सकते हैं, ए बी को हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए एफ कह सकते हैं, ए एफ का डबल ही तो ए बी है क्योंकि एफ मिड पॉइंट है। ऐसे ए सी को क्या कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए ई कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ए एफ किसके इक्वल आ गया, ए ई के। अब देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये साइड कॉमन और ये दोनों 90, अगर ये दोनों 90 हैं, हाइपोटेनस साइड इक्वल एक अदर साइड इक्वल है, बाय आर एच एस ये कौन करेंट है, सी पी सी डी सही वाली साइड इसके इक्वल होगी, बात खत्म कर दी हमने। ओके, तो हम इसमें देखेंगे इन ट्रायंगल
AMF में एंड ट्रायंगल AME में, AMF एंड AME में हमने देखा AF AE के इक्वल, AM AF AE के इक्वल, AD AD AM AM कॉमन एंड एंगल AMF किसके इक्वल AME के। ओके तो AF AE के इक्वल दिखाया, AM AM कॉमन दिखाया और AME AME एंगल AMF सॉरी AMF इसके इक्वल AME के, AMF AME के इक्वल दिखा दे भाई, RHS ये कौन ग्रेंट हो गए। तो इसमें आप प्रूफ इसमें लिख सकते हो कि हमने इसको प्रूव्ड अबव कर दिया है, ये कॉमन है। ओके और ये ईच 90 है हमारे, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे, देयरफॉर ट्रायंगल AMF कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल AME के बाय RHS और RHS से कॉन्ग्रुएंट, देन ये CPCT से क्या हो जाएगा हमारा FM किसके इक्वल ME के, हैंस प्रूव। ठीक है मतलब ये बाय CPCT हो गया, बाय CPCT सी। तो हमने FMME के इक्वल भी दिखा दिया, FMME के इक्वल दिखा दिया, AMMD के इक्वल दिखा दिया, ये 90 भी दिखा दिया, यही हमें करना था इस क्वेश्चन में। ओके ये हो गया क्वेश्चन नंबर 95। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा। 96 में कह रहा है कि ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C, ABC एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल है किस पर, C पर। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, लाइन ड्रोन थ्रू M एंड पैरेलल्स टू BC, एक लाइन जो M से पास हो और BC के पैरेलल हो, तो BC इंटरसेक्ट AC, जो AC को इंटरसेक्ट कर रही हो एट D, ए सी को बी डी को, ये कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, अच्छा राइट एंगल एट सी पर होना चाहिए, ये कह रहा है ना ए बी सी इज राइट एंगल एट सी एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, ये सी है और यहाँ ए बी है। ओके इस तरीके से हाइपोटेनस ए बी है, लाइन ड्रोन पैरल्स टू थ्रू थ्रू एम एंड पैरल्स टू बी सी, बी सी के पैरल एक एम से लाइन करनी जो ए सी को किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, डी पॉइंट पर, ये तो पहले वाले की तरह हो रहा है, अभी तो किया था हमने ऐसे क्वेश्चन। तो अब हम क्या करना है इसमें कि सो दैट डी इज मिड पॉइंट कर देंगे, डी मिड पॉइंट, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया अभी किया है हमने, ये फर्स्ट वाले की तरह ही ऐसे हो जाएगा ये बिल्कुल सेम, डी मिड एम मिड पॉइंट कर दिया हमने, इसको डी लिया इसने इस पॉइंट को, डी को मिड पॉइंट कर देंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बिल्कुल ये रहा हमारा कि हमने इन ट्रायंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, या फिर हम पहले ही इसमें कह देंगे, पहले ही हम इसमें कह देंगे कि अगर ये पैरेलल है तो एम मिड पॉइंट होगा। ठीक है एम क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ऐसे इसमें क्या कर देंगे हम, डी मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ। ठीक है तो डी मिड पॉइंट शो करना है इसी का, हो गया इसी का मिड पॉइंट, एम डी इस परपेंडिकुलर टू ए सी शो करना है, एम डी इस परपेंडिकुलर टू ए सी, ये भी हो जाएगा क्योंकि 90 तो ये 90 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सी एम एम ए एंड हाफ ऑफ ए बी, सी एम एम ए एंड हाफ ऑफ ए बी, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है सी बी एस सी में है हमारा, इस टाइप का क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है इस टाइप का ही हमारा, तो कर देंगे इसको हम। देखो प्रूफ में आप ये चीज़ें लिख लेना, प्रूफ करते हैं सिंपल हम इसका, कि सबसे पहले डी मिड पॉइंट दिखाना, एम मिड पॉइंट है पहले से ऑलरेडी किसका, ए बी का, तो इन ट्रायंगल अगर हम देखें किसमें, ए सी बी में, क्या कि एम मिड पॉइंट है, ओके एंड डी एम पैरेलल्स टू क्या है इसमें रखा, ए एम इक्वल्स टू बी एम एंड डी एम पैरेलल्स टू बी सी, देन हमारा क्या होगा, ये इम्प्लाई करेगा क्या कि डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट, डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी, मिड पॉइंट थ्योरम लिख देंगे। ओके डी मिड पॉइंट हो गया, फिर सेकेंड पार्ट में क्या करना है, इसके सेकेंड पार्ट में दिखाना है कि 90 है, 90 कैसे होंगे कि एंगल ए डी एम जो होगा वो एंगल ए सी बी के होगा, क्यों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, लाइन पैरेलल है। ठीक है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स लिख देंगे क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल है। ओके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये 90 हो गए, और क्या दिखाना है, सी एम एम ए और हाफ ऑफ ए बी, ये इसी से दिखाएंगे कि पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, कि हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया कैसे, अगर हम देखें ट्रायंगल ए डी एम में
एंड ट्रायंगल किस में, सी डी एम में, ए डी एम एंड सी डी एम में। क्या दिखाएंगे हम कि एंगल 90 है, दोनों ही 90 है, ये दोनों क्या है हमारी, ये इसकी कॉमन साइड और ये वाली साइड हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दिए हैं, डी मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया है हमने पहले। ठीक है, तो दिखा देंगे ए डी इक्वल्स टू सी डी प्रूफ अबव, फिर एंगल ईच 90 ए डी एम इक्वल्स टू एंगल ए डी एम इक्वल्स टू एंगल सी डी एम ईच 90 एंड डी एम, डी एम क्या इक्वल, ओके ये इक्वल हो जाएगा हमारा, मतलब कॉमन, ये कॉमन है, ये ईच 90 है और ये क्या है हमारा प्रूफ अबव है। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, ए डी एम कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, सी डी एम के, बाय आर एच एस बोलेंगे इसे, नहीं इसे बोलेंगे साइड एंगल साइड। क्यों, क्योंकि इसमें ये वाली साइड, बेस वाली साइड, हाइपोटेन्यूस साइड तो इक्वल दिखाई नहीं हमने, ये वाली साइड कॉमन और ये एंगल, तो दो साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, तो इसे कहते हैं हम साइड एंगल साइड। ये इंप्लाई करेगा क्या कि ए एम साइड जो होगी हमारी वो इक्वल्स टू होगी सी एम के बाय सी पी सी टी सी। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी एम और एम ए इक्वल है, सी एम और एम ए इक्वल है कर दिया प्रूफ, और ये हाफ ऑफ ए बी के इक्वल भी है। सिंपल सी बात है, देखो कि ए बी इक्वल्स टू क्या है, ए बी सम है ए एम और एम बी का, एम और एम बी, ए एम और एम बी इक्वल है आपस में, तो हम एम बी को भी ए एम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, एम बी को भी एम ए एम कह सकते हैं। तो ए बी किसका इक्वल हो गया हमारा, ट्वाइस ऑफ ए एम के इक्वल हो गया, और ये हमारा हो गया हाफ ऑफ ए बी के इक्वल, ए एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, एक तो ये इक्वेशन है। एंड ए एम इज ऑल्सो इक्वल्स टू, ए एम इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्या है हमारा, सी एम है, अभी अभी हमने फाइंड किया ये, ठीक है, ऑल्सो ए एम इज इक्वल्स टू सी एम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, कि हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए एम, ए एम इक्वल्स टू सी एम, मतलब ये आपस में तीनों चीज़ें इक्वल, तो सी एम ए एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी हो गया, क्योंकि ये सभी चीज़ आपस में इक्वल हैं, यही करना था हमें इसमें, हो गया, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें 97, क्वेश्चन नंबर 97 में देखो कुछ जीप से ही लाइंस वगैरह दे रखी हैं। ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर एल एम एन पैरेलल लाइंस हैं, ओ सी ओ डी गिवन किया है हमें, तो इसे हम बना लेते हैं पहले तभी समझ में आएगा ये, तो बुक का फिगर खराब नहीं करना है, उसमें एडिटिंग नहीं करनी है आपको, ये हो गया। ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से, इसमें ओ सी किसके इक्वल गिवन किया हमें, ओ सी है हमारी 5 सेंटीमीटर, वही है ओ डी के बराबर भी है, दोनों 5 5 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा ओ ए, ओ ए गिवन किया 8 सेंटीमीटर, ओ ए गिवन किया 8 सेंटीमीटर, ओ ई गिवन किया कितना 10 सेंटीमीटर, ओ ई 10 सेंटीमीटर, ओ ई 10 सेंटीमीटर। फाइंड ओ बी एंड ओ एफ, फाइंड ओ बी एंड ओ एफ, ओ बी एंड ओ एफ आपको फाइंड करना है, बताओ कैसे करेंगे। अब आपको बताना है इसमें ओ बी एंड ओ एफ कैसे फाइंड किया जाए। वैसे अगर हम देखें तो हम सिमिलर ट्रायंगल का इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें मिड पॉइंट वगैरह थे हम, तो इसमें मिड पॉइंट ये दे रखा, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ठीक है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये तो जरूर कह सकते हो आप, ये मिड पॉइंट की तरफ आपको बता रहा है। और इसमें एक वो है कि इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम होगी कि जितने भी ट्रांसवर्सल होंगे ना वो इक्वली इंटरसेप्ट कर रहे होंगे, मींस कि अगर ये 5:5 में कर रहा है ना तो इनका रेशो भी 5:5, मतलब इनका भी रेशो वही होगा जो इनका रेशो आ रहा है, इनका रेशो 1:1 आ रहा है तो इनका भी 1:1, मतलब ये 8 है ये भी 8 होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, सिंपल सी बात है, ये है इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम।
इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ आपके पास कुछ लाइन पैरेलल्स हैं तो उनको कट करने वाले जो ट्रांसवर्स होंगे वो भी इक्वली इंटरसेप्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अब आए इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो बस हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से क्या होगा हमारा, जो हमारा सी ओ या ओ सी और ओ डी का जो रेशियो होगा ना, वही हमारा ए ओ और ओ बी के रेशियो पे होगा, वही हमारा ओ ई और ओ एफ का रेशियो होगा। ये इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम बोलती है, इसे बोलेंगे बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। ओके, ओ सी है हमारा 5, ये भी 5, ओ ए हमारा 8 है, ये कितना होगा, ओ ई हमारा 10 है, ये ओ एफ कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का इक्वल रखते हैं तो ये तो कैंसिल हो गया, 1:1 = 8/OB, ओ बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर इन दोनों का इक्वल रखते हैं तो 5/5 = 10/OF, ये कितना हो जाएगा, ओ एफ इक्वल्स टू कितना 10। ओके, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये है सिंपल हमारा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 97। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोल रहा है, कह रहा कि इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल्स टू डी सी, ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ए बी सी डी बना लेते हैं जिसमें ए बी पैरेलल्स टू डी सी हो जाए। ओके, ए बी पैरेलल्स टू डी सी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए डी का मिड पॉइंट है एम, एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एन है मिड पॉइंट ऑफ बी सी का। इफ़ ए बी इक्वल्स टू, अगर ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर है एंड डी सी हमारा कितना है 11 सेंटीमीटर है, देन फाइंड करनी है हमें एम एन की लेंथ। ओके, ये करना हमें एम एन की लेंथ फाइंड करनी, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी हम क्या कह सकते हैं, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम यूज़ हो रही है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ओके, पर इसमें जो ये वाली वैल्यू होती है, कि ये वाली जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, ट्वाइस ऑफ एम एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी और सी डी के इक्वल होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एम एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये अभी हमने प्रूव किया था, ये अभी तो प्रूव किया था हमने, कि अगर हम इसी फिगर को इसमें देखें, किस वाले में, किस वाले में, किस वाले में देखें, कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये जो बीच वाली लाइन होगी, जो बीच वाली लाइन होगी, इसका जो ट्वाइस होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी ई एफ होगी वो क्या होगी, हाफ ऑफ ए बी प्लस ए सी के, ये हाफ को इधर नीचे ले जा सकते हैं। तो ये सिंपल इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसमें भी क्या होगा हमारा, कि जो एम एन होगा वो इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी का। आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं कैसे, कि आप इसे ऐसे ज्वाइन कर लो या फिर ऐसे ज्वाइन कर लो, अब इसे आप कोई पॉइंट ले लो, अगर आप इस ट्रैंगल में देखोगे, इस ट्रैंगल में देखोगे तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से देखो, ये है इक्वल इंटरसेप्ट कर रहे हैं, मतलब ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये भी पैरेलल हो जाएगी इन लाइंस के, तो ये भी ओ भी मिड पॉइंट होगा, तो ये एम ओ किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी के, तो इसी से ये बना है हमारा। ठीक है, कि एम ओ हाफ ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, एम ओ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा, ऐसे ही हमारा ओ एन हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, ओ एन हमारा हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, अगर हम किस ट्रायंगल में देखें, इस वाले ट्रायंगल में देखें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एम ओ और ओ एन ये किसके इक्वल, हाफ ऑफ सी डी प्लस हाफ ऑफ ए बी, और इसमें से वही है एम ओ और एम एन, एम ओ और ओ एन को अगर हमने प्लस किया तो एम एन किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी प्लस ए बी, मीन्स ए बी और सी डी के। ओके, इसमें वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट, इसे दिखाने की जरूरत नहीं, तो एम एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ, ए बी की वैल्यू कितनी 8 और सी डी की वैल्यू कितनी 11, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ 8 + 11 = 19, 19 का हाफ कितना होता है हमारा 9.5। ठीक है, ओके, ये हो गया 9.5 सेंटीमीटर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका अब लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या, इसमें और कुछ भी, हाँ इसमें सेकंड पार्ट भी है इसका भी, कह रहा है कि अगर ए बी 5.7 हो जाए और एम एन 6.2 हो जाए तब आपको डी सी फाइंड करनी है। दूसरा केस है इसमें कि कह रहा है कि इस बार ए बी की वैल्यू कितनी हो जाए, इसमें भी ये रिलेशन यूज़ करेंगे, फिगर यही है, लेकिन इसमें वैल्यू कुछ डिफरेंट गिवन की है, कि इस बार एम एन की वैल्यू गिवन की और ए बी की वैल्यू, एम एन की वैल्यू तो 6.2 है और ए बी की वैल्यू कितनी है, ये है 5.7, ये है 5.7। ओके, प्लस सी डी आपको फाइंड करना है, तो सिंपल है, बस ये सोल्व कर लेंगे, ये 6.2 है, 2 से तो मल्टीप्लाई किया तो 6.2 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.4 इक्वल्स टू 5.7 प्लस सी डी, 5.7 इधर अगर माइनस हो जाएगा तो 12.4 माइनस 5.7 इक्वल्स टू सी डी, माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 14 में से 7, 7, 11 में से 5 कितना हो जाएगा हमारा,
ये हो जाएगा 6, तो ये जाएगा 6.7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू सी डी, सही है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिर हमारा ये है कि इन द फॉलोइंग फिगर एल एम एन आर पैरेलल टू ईच अदर, जी इज द मिड पॉइंट, ओके जी मिड पॉइंट है हमारा, जी मिड पॉइंट है हमारा ऑफ सी डी, जी मिड पॉइंट ऑफ सी डी है, बी जी, बी जी की वैल्यू बताओ, इफ ए डी कितना है हमारा, ए डी इज 12 सेंटीमीटर। तो वही है, इसमें देखो एल एम एन पैरेलल लाइंस गिवन की हैं एंड जी इज मिड पॉइंट है, जी मिड पॉइंट है, जी मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या होगा, ये भी बी भी मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से बी जी इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए डी हो जाएगा सिंपल, और बी जी हाफ ऑफ ए डी के इक्वल हो जाएगा, मीन्स तो बी जी की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी इस ए डी के, मतलब 6 सेंटीमीटर आ जाएगा सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा सिंपल। ओके तो ये कितना आ गया हमारा सी, और ये है हमारा पॉइंट डी। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें जो बी जी होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए डी के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके तो बी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ ए डी, और ए डी कितना गिवन किया है इसने, 12 गिवन किया है, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, कैंसिल कर देंगे। तो ओके फिर सी एफ करना है इसमें कि सी एफ बताओ इफ जी ई, अगर जी ई कितना दे रखा है, सी एफ बताना है, अगर जी ई दे रखा है इस बार 4.6, इस बार ये हमारी वैल्यू 4.6 गिवन की, ये वाली बतानी। तो अब इस ट्रायंगल में भी हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग भी हमारा कितना हो जाएगा कि जो जी ई होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ सी एफ हो जाएगा, जी की वैल्यू 4.6 है, ये हाफ ऑफ सी एफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी, सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, कितनी हो जाएगी ये 2 6 12 का 2 1 8 और 9, 9.2 हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर सी एफ, ये सी एफ हो गया। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें कि ए बी की वैल्यू बताओ, ए बी की वैल्यू कहाँ है, ए बी, ये रहा ए बी की वैल्यू बताओ, अगर बी सी की वैल्यू कितनी है, अगर बी सी की वैल्यू कितनी है, 8.8 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल सेम होगी ये, क्यों देखो बी बी मिड पॉइंट है ए सी का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हमने दिखा दिया, क्योंकि जी मिड पॉइंट है, ये वाली लाइन पैरेलल, तो बी मिड पॉइंट होगा, इसका मीन्स जितना ए बी होगा, ए बी 4.8 है ना, उतना ही हमारा बी सी हो जाएगा सिंपल, क्योंकि ये क्या है, इक्वल है, तो फोर, ये अगर 4.8 है ना बी सी, बी सी अगर 4.8 है तो ए बी भी कितना हो जाएगा हमारा, 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा सिंपल। ई डी बताओ, ई डी बताना है आपको, अगर एफ डी की वैल्यू गिवन की है, एफ डी की वैल्यू, पूरी वैल्यू गिवन की है इसने, अब देखो जी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, अगर हम इसे एक्स एक्स ऐड कर लेते हैं, और इसने इस बार पूरे एफ डी की वैल्यू दे दी है, तो इसका मीन्स 2x की वैल्यू कितनी दे दी है हमें, 8.8, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.4, तो बस दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, 4.4 और 4.4 हो जाएंगे, ये भी 4.4, ये भी 4.4, इसका मीन्स ई डी या एफ ई दोनों ही हमारे कितने हो जाएंगे, 4.4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। सिंपल था ये हमारा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 99। ओके पहले का 6 सेंटीमीटर, फिर 9.2 सेंटीमीटर, फिर 4.8 सेंटीमीटर, फिर ये आ रहा है हमारा 4.4 सेंटीमीटर, सिंपल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 99 हो गया। ओके गाइस, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंप्लीट करेंगे इसे। ओके वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। ओके थैंक यू।